मांगे छूटे चरण कृष्ण बोले हो मांगे छूटे चरण कृष्ण बोले और मैंने माखन चोराया नहीं जवाब दिया है भैया मुझे नहीं मारो ये ऐसा ही करती है इतनी मस्ती करती हुई जाती है माखन को ले जाती है अरे इनकी आपस में ठोकर हो गई मटकी फूट गई होगी घर में रखनी होगी आकर के ना मेरा रख देती है मुझे तो पागल समझ लिया है मैं जितना छोटा हूँ ना भैया इसलिए हमें हमेशा ये उठाए रखी रहती है मैया ये सोता है एकदम से फिर कन्हैया को छाती से लगा लो लल्ला अब मारो सो मारो लेकिन अब ना मारे दूसरों दिन बहु बहु तब तक और सखी आएगी संग में वे सुशीला सीला फिर आएगी शिकायत करी तो मैया ये सोता को गुस्सा आ गई तुम हर रोज हमारे कन्हैया की शिकायत करने आ जाती हो हमने पर लल्ला को कल्लू मारो पसों नेरो मारो मेरो लल्ला नेरो रोए रहो तो खुद तो उदम मचाती है माखन को बेच में ले जा रही हो कि उदम मचाए में जा रही हो कि मटकिया को फोड़ने जा रही लल्ला के भाई के नाम रख देती है मेरो लल्ला कल्ले नेरो रोए रहो तो देखो हमारे कन्हैया की कुछ ना कहो अगर हमारे बेटा ने तुम्हारी मटकिया मट्टी की फोड़ दी है तुम्हें हम पीतल की बनवाए दिए और पीतल की फोड़ दी हुई है तो हम तुम्हें सोने की बनवाए दिए लेकिन हमारे लल्ला की मत कहो तो वे सखियां आती
वापस चली गई, मन में विचार कर लिया अब हमें जल लग रही है कन्हैया ऐसे अब ना आए हैं शिकायत का करी सो हमें श्याम सुंदर के दर्शन गुनाए भाई। मन में विचार करने लगी इधर भगवान श्याम सुंदर ऐसी अनेक लीलाएं दर्शाते रहे और जब कुछ बड़े हो गए